यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे जब से ईद हुई है तब से लगातार हम कमिश्नर और यहाँ के एमएलए मैडम कनीस फातिमा से रब्ता कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो दरगाह रोड का रोड जो पूरी डैमेज हो चुकी है, वो डैमेज होने की वजह ये है कि यहाँ पे यूजीडी का काम नहीं हुआ था और यहाँ का यूजीडी का रोड वेंडिंग के ताल्लुक से यहाँ पे यूजीडी का फंड नहीं था। तो यूजीडी का फंड जो पिछले 4-5 महीने पहले जो ला कर यूजीडी का काम करने से रोड पूरी ख़राब हो चुकी है यहाँ पे, तो वो ख़राब होने की वजह से यहाँ पे लोग आ नहीं जा सक रहे, तकलीफ बहुत हो रही है। जहाँ तक ये रोड वाइडनिंग का जो काम है रोड वाइड का, वो पिछले बार जो फंड आया था वो कुछ फंड कम था, अब वो पूरा मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कॉरपोरेशन कमिश्नर से बात करने के बाद ये मालूम आया कि यूजीडी का काम था और फंड भी पूरा है ये रोड का। और पिछले 4-8 दिन से हम लगातार फॉलोअप कर रहे हैं कि यहाँ का काम जल्द से जल्द स्टार्ट करो बोलकर, तो रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन की टीम लगातार जो है ना कॉरपोरेशन से और एमएलए से कांटेक्ट में है। वो लोग भी काम स्टार्ट कर चुके हैं कि कुछ प्रॉपर्टी ओनर ऐसे हैं जिसके बाप दादा के नाम पे प्रॉपर्टी रहने से उनको चेक इशू नहीं कर सक रहे, तो उसका हल निकालने के लिए यहाँ पे कल पूरे तमाम जो है ना कॉरपोरेशन के जेई और इंजीनियर आकर तो पूरा जायज़ा लिए और उनके डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं और इंशाल्लाह 4 दिन में उनके चेक भी इशू करेंगे। और यहाँ पे जो काम चल रहा है आज पूरे तकरीबन आज और कल इलेक्ट्रिकल पोल के और यूजीडी का एक कनेक्शन देना है वो लोग, और ड्रेन का जो इंजीनियर काम कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर वो भी आकर यहाँ पे सर्वे कर गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द काम चालू होगा। जहाँ तक आवाम का कहना है और आवाम को जो तकलीफ़ दिख रही है, तो ये काम इतना मामूली काम या छोटा काम नहीं है कि जल्द से जल्द हो। तो आवाम से भी अपील है कि वो रोड को नूरबाग से हम डाइवर्ट करने वाले हैं, रोड नूरबाग से जा सकते हैं, और आवाम इसको ताउन करना चाहिए कि छोटा काम नहीं है। यहाँ पे हमेशा से जलालवाड़ी बख्शी हवेली में जब भी पानी आता है तो घरों के अंदर आता है, तो वो चीज़ को नज़र रखते हुए यहाँ पे अब जो ड्रेन का काम हो रहा है 6-3 मीटर के जो है ना ड्रेन का काम हो रहा है, जो सेंटर से आएंगे वो सेंटर से काम आने लेकर उसको इस तरह से जो है ना डाइवर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कभी भी रोड पे पानी ना जमा हो और ना गलियों में जाना, ये सोचते हुए पूरा कॉरपोरेशन का मलबा आकर यहाँ पे लोग उसको सर्वे करके एक सिस्टमेटिक काम करने वाले हैं। और आवाम भी जो है ना इसमें ताउन करना चाहिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के या कुछ पॉलिटिशन के ये सोचकर यहाँ पर आ रहे हैं कि ये रोड नहीं बन रही, क्या काम चल रहा है, कौन कर रहा है। रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 4 साल से रोड के लिए काम कर रही है और इंशाल्लाह ये रोड मुकम्मल हुई तक इंशाल्लाह उसको फॉलोअप करेगी, काम करेगी। ये कुछ लोग बीच में आकर यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा बोलकर फ़ोटो डाल रहे हैं, या मैडम के ख़िलाफ़ डाल रहे हैं, या कमिश्नर के ख़िलाफ़ डाल रहे हैं, या किसी और के ख़िलाफ़ डाल रहे हैं, तो ये रोड पे मेरे ख़ास करके वो सोशल एक्टिविटीज़ से और सियासतदानों से अपील है कि यहाँ पे आगे कोई सियासत ना करें। रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन ये काम मुकम्मल हुए तक पीछे हटने वाली नहीं है। अगर कोई सियासी मैडम रहेंदे एमएलए या कोई कॉरपोरेशन कमिश्नर रहेंदे या कोई कॉरपोरेशन का जिम्मेदार अगर यहाँ काम नहीं कर रहा है तो उसको किस तरीके से काम लेना है, ये रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन बेहतर जानती है और उसके काम लेने की काबिलियत है और इंशाल्लाह वो काम लेकर रहेगी। तो यहाँ पे कम से कम ये रोड बनने के लिए 2-3 महीने जाएंगे। यानी अब आपका कहना है कि कंप्लीट फंड आ चुका है? कंप्लीट फंड आया, कोई एक बिना किसी रुकावट के कंप्लीट होगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पे कोई काम रुकेगा नहीं, 4-8 दिन में काम स्टार्ट होगा तो रोड को डाइवर्ट कर देंगे पब्लिक के लिए जाने के लिए जो है ना दूसरे रोड को नूरबाग से जो है ना डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ की रोड बंद होंगी। तो आवाम से अपील है कि थोड़ी तकलीफ़ है लेकिन वक्तिया तकलीफ़ है, लेकिन आने वाले दिन में यहाँ पे जो है ना एक मुकम्मल काम होगा और अच्छा काम होगा, लोगों को जो है ना जो आज तकलीफ़ है वो आगे तकलीफ़ नहीं रहेगी। और जो प्रॉपर्टी ओनर हैं यहाँ पे
कुछ प्रॉपर्टी ओनर जो है ना, वो प्रॉपर्टी ओनर से भी मेरी अपील है कि वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। यानी ये नहीं कि जो है ना फिर मजबूरन कॉरपोरेशन को जो है ना कानूनी शक्ल में जो है ना गलत अख्तियार से करे जैसा मौका ना दें। और यहाँ के आवाम से ख़ास करके मैं अपील करता हूँ कि सब कॉपरेट करें, इसमें कोई सियासत या कोई अपना नाम लाने के लिए रोड से जोड़ने की कोशिश ना करें। ये रोड के लिए रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन बेहतरीन इकदाम उठाए हैं और अब से नहीं 4 साल से उठा रहे हैं, इंशाल्लाह ये मुकम्मल हुए तक ये काम नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।